पिपरिया शहर का सबसे बेस्ट स्कूल है। और आपका जहाँ तक बात है अनूप की, तो ही इज अ वेरी ब्रिलियंट गाय, थोड़ा सा हिंदी मीडियम से निकल के यहाँ पे अब आया था, तो वी आर वर्किंग ऑन दिस और हमारे टीचर बहुत मेहनत कर रहे हैं आपका सक्सेना जी, स्पेशली अदर करिकुलर एक्टिविटीज पे भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान आप पेरेंट्स को भी देना होगा घर पर, है ना, थोड़ा सा ध्यान आप भी दें जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है, तो बच्चों को थोड़ा सा रिविजन कर दें, थोड़ा सा माहौल घर का चेंज करने की कोशिश करें। बाकी यहाँ से हम बैठ दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ये मतलब वो बच्चा नहीं पढ़ पा रहा, लेकिन मेरे पास आई एम सीइंग द रिपोर्ट ऑफ अनूप इज अ वेरी ब्रिलियंट गाय, मतलब पिछले मंथ के हिसाब से इस मंथ में उसका बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है, ये बेसिक नेचर है बच्चे का, धीरे धीरे इम्प्रूव आएगा, बस इज अ वेरी ब्रिलियंट गाय। क्या तरीका स्कूल में आने का, क्या मैनर सही है, क्या डिसिप्लिन नहीं है, जाओ क्लास में पहुंचो। कौन थे सर ये? मैं कुछ इस बात को द नेम ऑफ द लेसन इज द लास्ट लेसन एंड वी आर हियर टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हियर। अच्छा तो बताओ बिजली कहाँ से आती है? बताओ। बिजली मेरे घर के साइड से आती है। वो कैसे? अरे सर मेरे घर के साइड में उसका घर है। तभी अभी तेरी सारी इश्तवारी निकालता हूँ। तुम लोग फालतू बातों में ज्यादा ध्यान देते हो, और इतना ध्यान अगर पढ़ाई में दो तो अपने राष्ट्र का और अपने हाई स्कूल का नाम रोशन। क्योंकि सर पढ़ाई तो सर दो कारणों से की जाती है, पहला डर से, दूसरा शौक से। बिना मतलब के शौक हम रखते नहीं और डरते तो किसी के बाप से नहीं। स्टॉप दिस नॉनसेंस, तुम्हें समझाना तो बेवकूफी है। एक्सक्यूज मी सर, मुझे आपसे एक बात करनी है। जी बोलिए। जो भी सर 12th क्लास कॉमर्स के बहुत ही नालायक बच्चे हैं और बहुत बदतमीज भी हैं, इन्होंने मुझे परेशान करके रखा है। चलो मैं देखता हूँ। देखिए सर अभी भी मस्ती करते जा रहे हैं। देखिए आज तो चलो सर के मजे ले लिए।
नाउ। हेलो पापा, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आपके लिए एक सरप्राइज है, गेस करिए। अरे पापा, हमेशा मुझे मेडल ही नहीं मिलते रहेंगे यार। मैं कल आ रही हूँ। क्या हुआ पापा, आप इतने सैड क्यों लग रहे हैं? कुछ हुआ है? बताइए, सच बताइए। 3-4 बच्चे हैं, 12th कॉमर्स के हैं, बहुत परेशान कर रखा है। ठीक है, मैं आके देखती हूँ कल कौन मेरे पापा को परेशान कर रहा है। ठीक है, चलिए बाय पापा। ओके बेटा, आप रेस्ट करो, मुझे स्कूल के लिए निकलना है, लेट हो रहा है। ठीक है, फिर हम लोग शाम को मिलते हैं, शाम को बात करते हैं और अच्छे से आराम करना। देन वी हैव अ डिनर टू डिनर। ओके, गुड बॉय, चलो रेस्ट करो। नो प्लीज, बैठे दो मिनट तो बैठिए। बेटा तुम इतनी दूर से आई हो, थक गई हो। मैंने बोला ना, हम साथ में डिनर करेंगे। अभी आप आराम करो, फिर आप शाम को मिलते हो। ओके, बहुत प्लीज आ जाओ। प्लीज पापा, प्लीज मां जाओ, आराम कर लो। देखो इतनी थक चुकी हो तुम, फिर हम शाम को साथ मिलेंगे। ओके, अभी मुझे देखो, प्लीज जा रहे हो। प्लीज पापा, प्लीज पापा, प्लीज। ओके चलो, तैयार हो फटाफट। अब मैं देखती हूँ मेरे पापा को कौन परेशान कर रहा।
हेलो एवरीवन, मैं आपका अपना वीरेंद्र वंशी। तो आपने देखा स्कूल लाइफ विद लव का एपिसोड फर्स्ट, यारों की मस्ती। तो दीक्षा अपने घर आती है और अपने पापा से जिद करती है स्कूल जाने की। आखिर क्यों करना क्या चाहती है, तो ये चीज़ तो मुझे भी नहीं पता। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बने रहिए मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने प्यार दें। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।